अरे अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य से कहूंगा अध्यक्ष जी से मिल ले चुपचाप, क्योंकि कानपुर के जिस उद्योगपति पे छापा मारा गया था उससे समाजवादियों का कोई रिश्ता नहीं था, क्योंकि चुनाव उत्तर प्रदेश में था। समाजवादी लोग कैसे बदनाम हो, समाजवादियों पे कैसे आरोप लगे, इसलिए वो छापा मारा गया। और गलती डिजिटल इंडिया की थी, क्योंकि जिसने इत्र का और परफ्यूम का लॉन्च किया था उसका नाम भी पी जैन है, वो भी कन्नौज का रहने वाला है, वो भी उसी मोहल्ले का है, उसका भी कारोबार कानपुर में है, मुंबई में है। पता नहीं कंप्यूटर में क्या दिखाई दिया डिजिटल इंडिया में कि जिसके यहां छापा मारना था उसके यहां छापा नहीं मारा अध्यक्ष महोदय, अपने यहां ही जो काम करता है जो बीजेपी का ही समर्थक था उसके यहां छापा मार दिया। और अपनी खीज मिटाने के लिए इन्होंने फिर दोबारा उसके ऊपर छापा मारा। ये तो छापा मार सरकार है और ये कोई नई चीज नहीं है, जो दिल्ली में रहता है वही छापा मारता है। पहले भी सरकारें थी और ये भी सरकार है, कम से कम बीजेपी के लोगों ने कांग्रेस पार्टी से कुछ अच्छा सीखा है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी भी छापा मारती थी, बीजेपी ने कम से कम कांग्रेस के रास्ते पे चलने का काम किया है बीजेपी ने। अब बहुत नए नए विधायक जीते हैं, माननीय सदस्य जीते हैं, इनको पुराना इतिहास कांग्रेस का पढ़ना चाहिए।